हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में संप्रति 2019 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू होगा? तो भाई हाल ही में संप्रति 2019 सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। बांग्लादेश की तांगेस में इसका आयोजन होगा। 2 मार्च से 15 मार्च के बीच चले गए। संप्रति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है ये। अगर बात आई है बांग्लादेश की तो देख लेते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और वहाँ के बांग्लादेश की करेंसी है टका। प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भी हाल ही में इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। स्मार्ट एनर्जी स्मार्ट सिटी के लिए है ये इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक। इसमें 55 देशों से ज़्यादा 300 से अधिक एक्सपर्ट शामिल होंगे और यह 12 से 16 मार्च तक चलेगा। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बांग्ला शिक्षा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई हाल ही में बांग्ला शिक्षा पोर्टल पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और वहाँ प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इटली के बीच JCEC के 20वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भी हाल ही में भारत व इटली के बीच JCEC के 20वें संस्करण की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। JCEC की फुल फॉर्म है ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रणाम आयोग कहाँ शुरू किया गया है? तो भी हाल ही में प्रणाम आयोग की शुरुआत असम में हुई है और इस प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है? प्रणाम की फुल फॉर्म है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉन फॉर अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग। असम के राज्य कर्मचारियों के पेरेंट्स की रक्षा के लिए है यह प्रणाम आयोग। असम की कैपिटल है दिसपुर और प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय छात्रों को प्रशिक्षण देने की घोषणा किस देश ने की है? तो भाई हाल ही में रूस ने अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय छात्रों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। रूस की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रूस की संसद का नाम पूछ लिया जाता है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भी हाल ही में मुहम्मद बुहारी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अभी तक भी मुहम्मद बुहारी ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे लेकिन अब फिर से इन्हें नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी है नायर और प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट तो यही है मुहम्मद बुहारी। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है?
तो भाई हाल ही में एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, फ्लाइंग फॉर ऑल योजना के तहत इसका आयोजन किया गया है। वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सुरेश प्रभु। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। देख तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।